जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। अभी तक आतंकियों की लाश बरामद नहीं हुई है। खास बात यह है कि मारे गए आतंकियों में से एक खुर्शीद अहमद मलिक हो सकता है। पुलवामा का खुर्शीद बीटेक किया हुआ वही लड़का है जो कुछ दिनों पहले गायब हुआ था। हमारे साथ संवाददाता आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है इसके इस एनकाउंटर के बारे में, और जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है खुर्शीद, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? प्रतिमा, देखिए, ये मुठभेड़ खत्म हो गई है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इसमें दो मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। कल देर शाम शुरू हुए इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक घर को रफियाबाद में घेरे में लिया था, और यहाँ पे रात भर चले ऑपरेशन के बाद आज सुबह तड़के इस घर पे सुरक्षा बलों ने दावा बोल दिया, जिसमें इन दोनों मिलिटेंट्स के मारे जाने की सुरक्षा बलों ने पुष्टि की है। हालांकि इनकी पहचान के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक हमको कुछ नहीं बोला जा रहा है, जबकि सूत्रों के मुताबिक पुलवामा का जो बीटेक का छात्र है खुर्शीद अहमद मलिक, जो तकरीबन 4-5 दिन पहले से लापता था, उसने अपने घर फोन करके घर वालों को बताया है कि वो रफियाबाद की जिस मुठभेड़ चल रही है वहां पे फंस गया है। लेकिन क्या वो भी मारे गए दो मिलिटेंट्स में शामिल है, इस बात की पुष्टि पुलिस थोड़ी देर में करेगी जब शव बरामद किए जाएंगे। बता दूं कि खुर्शीद अहमद मलिक के बारे में कल ही हमने खबर चलाई थी कि कुछ दिन पहले से वो लापता है। उसके परिवार ने अपील भी की थी उन मिलिटेंट संगठनों से कि उसको वापस भेजा जाए, लेकिन लगता है कि अपील उन तक पहुंचे, खुर्शीद वापस आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये उसी खुर्शीद आलम मलिक का के परिवार वाले हैं जो कुछ दिनों पहले से लापता था, और ऐसी खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ में वो मारा जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।